हाय गाइस वेलकम टू द चैनल क्लैरिटी आज वीडियो में बात करूंगा मैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी मैंने लॉ वन और टू बना दिए हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए चलिए लेट्स बिगिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल की मेम्बरशिप नहीं ज्वाइन की है तो आपको सारे वीडियो नहीं दिखाई देंगे सारे वीडियोज उन्हीं को दिखाई देंगे जिन्होंने चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन की है चैनल का मेंबर कैसे बनना है इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उस लिंक पे जाके आप समझ सकते हैं कि कैसे चैनल का मेंबर बनना है फिर हम इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चलिए तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है इसका इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है ठीक है इसका मतलब क्या कहता है एवरी एक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड रिएक्शन। अब क्या मतलब है इसका जैसे कि आप यहां खड़े हो ठीक है आपने लगाया धक्का दीवार पे ये वॉल है ये आप हो अब आप लगा रहे हो धक्का ये आपका हाथ है ठीक है आपने लगाया धक्का दीवार पे तो अब जब आपने धक्का दीवार पे लगाया तो आपने फोर्स लगाया एक दीवार के ऊपर अब दीवार एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाती है आपके ऊपर आप दीवार पे लगा रहे हो फोर्स f तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दीवार भी लगा रही है आपके ऊपर ठीक है जिसको हम r बोलते हैं ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे ऑपोजिट होंगे जैसे कि मान लो अगर आप लगा रहे हो 50 न्यूटन का फोर्स दीवार पे तो दीवार भी वापस आपके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ठीक है तो इक्वल है ये फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में आपने इस डायरेक्शन में लगाया दीवार ने आपके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाया तो ये आपने पचास लगाया तो दीवार ने भी आपके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में पचास लगाया तो इसे बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे की एग्जाम्पल और ले लीजिए जैसे बुक रखी है ये ये बुक रखी है टेबल के ऊपर तो बुक का एक लगा रही है बुक का लगा लगा रही रही है है नीचे की तरफ एक टेबल पे वो लगा रही है। फोर्स जिसको बोलते हैं वेट ठीक है ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो वेट लग रहा है तो बुक लगा रही है एक नीचे की तरफ फोर्स ठीक है तो ऐसी टेबल वापस बुक के ऊपर लगा रही है एक रिएक्शनरी फोर्स जैसे आर बोलते हैं टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है आर उतना ही जैसे अगर इसका वेट अस्सी है न्यूटन नीचे लग रहा है तो ये उल्टा जो टेबल है टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रही है अस्सी न्यूटन बुक ने लगाया टेबल के ऊपर अपने वेट के हिसाब से जो उसका वेट है तो टेबल ने बुक के ऊपर लगा दिया उल्टा इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो इसे क्या है ये एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको जैसे ये पुशिंग द वॉल था ऐसी ये जब किताब रखी है तो है ऐसी होता है गन रखी है मान लो गन है जब आप गन चलाते हो ठीक है ये आप गन चला रहे हो आपने गन पकड़ी हुई है इस टाइप से गन है ठीक है ये आपका हाथ है ये आपका हाथ है आप गन चला रहे हो आप गन बुलेट लगाते हो फोर्स इधर की तरफ निकलती है ठीक है भागी बड़ी तेजी से बुलेट यहां से निकल के बंदूक से तो वापस एक फोर्स इधर लगता है फिर उतना ही तेज देखा ना आपने कई बार आपने देखा होगा आप देखेंगे तो कई लोग बड़ी बड़ी राइफल कंधे पर रख के चलाते हैं तो जैसी जितनी फोर्स से बुलेट निकलती है भारूस में से राइफल में से एक धक्का लगता है पीछे कंधे की तरफ क्या हो रहा है धक्का वो उल्टा जब आपने बुलेट फायर की तो बुलेट ने एक फोर्स आपके ऊपर भी लगाया तो जो आपको कंधे लगता है एकदम से कंधा देखना आप जो राइफल चलाते हैं पीछे की तरफ होता है तो क्या है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ऐसी रॉकेट अगर आपने देखा रॉकेट जाता है रॉकेट हवा में जब उड़ता है कभी रॉकेट देखना हवा में उड़ता है तो रॉकेट हवा में उड़ता है नीचे गैस छोड़ता हुआ जाता है तो क्या ये गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाती है जब रॉकेट उड़ता है ठीक है नीचे की तरफ फोर्स और उल्टा एक इक्वल एंड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है ठीक है तो ऐसे ही होता है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाती है गैस गैस सारा नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ये इधर की तरफ और ये नीचे की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगा जैसे रॉकेट भाई अब रॉकेट निकला रॉकेट हवा में उड़ा ये रॉकेट है ये हवा में उड़ रहा है तो नीचे की तरफ गैसेस निकल रही है एक फोर्स लग रहा है गैसेस वापस रॉकेट पे फोर्स लगाती है उल्टा इक्वल एंड अपोजिट जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होता है ठीक है तो एक है फोर्स ऑन गैसेस नीचे की तरफ लगाया वापस जो तो गैस है वो रॉकेट पे फोर्स लगाएंगे तो जो बोलते हैं फोर्स ऑन रॉकेट तो ये भी क्या इक्वल एंड अपोजिट है <laughs> ऐसे ही जैसे कि मान लो कोई आदमी चल रहा है ठीक है तो जैसे आप हो या आपके पैर हैं ठीक है तो आप एक फोर्स लगाते हो ग्राउंड के ऊपर जब चलते हो तो, तो ग्राउंड के पीछे धकेलते हो ना तो एक आपने फोर्स लगाया एफ तो उतना ही क्या होता है उल्टा ग्राउंड भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है आर इक्वल एंड अपोजिट जैसे आप चलते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हो तो ग्राउंड भी उल्टा एक इक्वल एंड अपोजिट लगाता है आपके ऊपर जिसको हम बोलते हैं आर ठीक है ऐसी जब आप कोई बॉल कैच करते हो आपने बॉल कैच करी तो बॉल ने आपके ऊपर एक फोर्स लगाया जब आपने बॉल कैच करी तो बॉल ने आपके ऊपर फोर्स लगाया पचास न्यूटन का तो एक उल्टा एक इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है बॉल ने आपके ऊपर लगाया आप बॉल के ऊपर लगाते हो तो हर केस में देखोगे आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है एक फोर्स आप लगा रहे हो या कोई भी चीज किसी पे लगा रही है तो चीज वापस दूसरी चीज पे भी लगाएगी ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि इक्वल एंड ऑपोजिट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में ग्रेविटेशन क्या है ठीक है जैसे कि इसमें न्यूटन ने बोला है कि जो भी दो चीजें हैं जिनका मास है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये लॉ ऑफ अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि जैसे कि अभी आप इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन और आपके बीच में भी ग्रेविटेशन का फोर्स है ग्रेविटेशन का फोर्स ये मत सोचो कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि कोई चीज जब ऊपर से गिरती है मान लो एप्पल है जैसे न्यूटन ने देखा था नीचे जमीन है ये आपकी ग्राउंड है तो हमें क्या लगता है कि एप्पल और ग्राउंड के बीच में ही ये ग्रेविटेशन का फोर्स है यही लगता है ना लेकिन ऐसा नहीं है मान लो यहां पे आप खड़े हो ये एप्पल गिर रहा है पे, यहां पे आप खड़े हो ये आप हो तो आपके और एप्पल के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है ठीक है आपके और एप्पल के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है क्यों क्योंकि जिस भी चीज के अंदर मास होगा आपका मास है ना मान लो अस्सी किलो के हो आप आपका मास है एप्पल का मास है मान लो पांच दो किलो का एप्पल है तो जिन भी चीजों में मास होगा उनके बीच में क्या होगा ग्रेविटेशन होगा जैसे आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हो या अभी आपने मोबाइल है आपके हाथ में आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल का एक मास है मान लो आपका मोबाइल है आधा किलो का ठीक है यह आपका मोबाइल है मान लो ढाई ग्राम का जितने का भी है ठीक है आपका भी एक मास है आप मान लो सत्तर किलो के तो आप में और आपके मोबाइल में आपको मोबाइल है आप में आपका भी मास है मोबाइल का भी मास है तो आपके और आपके मोबाइल के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है हर चीज आपके आसपास दीवारें हैं दीवारों का मास है और आपका भी मास है तो आप में और दीवार में भी ग्रेविटेशन फोर्स है आपने पेन पकड़ा हुआ है तो आप में और आपके पेन में भी ग्रेविटेशन फोर्स है क्योंकि मास है ना जिस भी चीज का मास है जिस भी चीज के अंदर मास होगा उसमें क्या होगा उन दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा अब आप कहोगे जैसे आप बोलोगे मैं और आप जैसे मैंने बोला कि आपके और आपके मोबाइल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो आप कह रहे हो मुझे फील तो होता नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए फील नहीं होता क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तब फील होता है जब बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में होता है जैसे अर्थ के बीच में और सन के बीच में अर्थ के बीच में और जुपिटर प्लान के बीच में तब वो फील होता है ठीक है जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनके बीच में फील होता है जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं ना प्लैनेट के लेवल पे जैसे अर्थ हो गया मून हो गया सन हो गया यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स फील होता है क्योंकि इनका मास बहुत बहुत बड़ा है आपका मास आपके मोबाइल का मास दीवारों का मास कंप्यूटर का मास इसका मास बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है वो इतना काउंट होता नहीं है ठीक है तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स पता नहीं चलता क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तभी पता चलता है जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के लेवल पे अर्थ के लेवल पे सन के लेवल पे मून के लेवल पे तब वो सिग्निफिकेंट बनता है आपके और आपके मोबाइल का जो मास है बहुत ही कम है इनसिग्निफिकेंट है तो इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स है लेकिन आपको पता नहीं चलता ग्रेविटेशन फोर्स है लेकिन आपका मास इनसिग्निफिकेंट है आपके मोबाइल का मास इनसिग्निफिकेंट है वो काउंट नहीं होता इसीलिए क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स होते हुए भी आपको पता नहीं चलता ठीक है समझ में आ गई कहानी पूरी नहीं समझ में आई दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लो अब हम देखेंगे कि ये फोर्स की इसको लिखते कैसे इक्वेशन वाइज देखो किस पे डिपेंडेंट है ये ग्रेविटेशन फोर्स जो मैंने अभी आपको बताया है। ये डिपेंडेंट है जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो बॉडीज के बीच में है ठीक है ये डिपेंडेंट है मास पे एम वन जो दो बॉडीज का मास है मान लो यहाँ पे अर्थ है और ये सन है तो इनका जो मास होगा एम वन एम टू इस तरीके से और ये डिपेंडेंट है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये कम होता जाएगा ठीक है जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा होता जाएगा जब तो इसे कंबाइन करोगे तो ऐसे बन जाएगा ठीक है तो और इसको लिखेंगे जब ये हटा देंगे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल का साइन जो है तो ये आ जाएगा ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ठीक है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं ग्रेवी gravitational constant समझ गया तो ये आपका ये आपकी बन गई ये हर जगह सेम रहेगा ये जगह से चेंज नहीं होता कहीं भी चले जाओ दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ ये हर जगह यूनिवर्सल ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही रहता है इसीलिए इसे बोला गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ किसी भी कंडीशन में चले जाओ सन पे चले जाओ मून पे चले जाओ जुपिटर पे चले जाओ सब जगह सेम ही रहेगा समझ में आ गया अब थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कुछ जैसे कि हमें इसकी यूनिट देखनी है यूनिट क्या है जी की तो देखो यूनिट कैसे आएगी हमें पता है एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है तो जब जी जी निकालोगे तो क्या आ जाएगा एफ आर स्कवा ठीक है सिंपल है समझ में आ गया अब जरा इसकी जो वैल्यू होती है जी की मैं बताता हूँ वैल्यू होती है जी की आपकी होती है ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम परस्पेक्टिव से जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ठीक है ये कैसे आई न्यूटन की फोर्स की न्यूटन हो गई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर नीचे के जी स्क्वायर हो गया एम एम वन एम टू तो दोनों के जी है ना तो इसलिए ऐसे हो गया ठीक है तो यहां से यूनिट बनी है इसकी ठीक है ये यूनिट है ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी अब जरा मैं मान लेता हूं कि मास अब जैसे एक निकाल के देखते हैं देखो यहाँ मास ले लो एक के, वन के जी एम टू भी ले लो वन के जी और डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों के बीच में वन मीटर का अब निकालना कितना आएगा एफ देखते हैं ठीक है फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं कि इस केस में फोर्स कितना आएगा फोर्स हमें पता है कितना है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर निकालो जरा 6.67 into 10 to the power minus 11 m1 m2 रख लो one one आर स्क्वायर कितना हो गया one का स्क्वायर तो कितना आ गया 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन ये आपका फोर्स आ गया जब आपका मासिस का वेट कितना है one kg दोनों का वेट one kg है ठीक है तो यानी कि बहुत ही कम है तो यानी कि ये आया फोर्स आपका यानी कि ये बहुत कम फोर्स है माइनस इलेवन टेन टू द पावर माइनस इलेवन मतलब इसको दस पीछे लेके चले जाएंगे इतना इतना छोटा हो जाएगा पॉइंट जीरो 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 सिक्स ऐसे करके आएगा मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा फोर्स है इसीलिए मैंने बोला ना जब वेट कम होता है जैसे आपका वेट कम है मोबाइल का वेट कम है तो ये इस लेवल पर दिखाई नहीं देता अब हम लेते हैं इसी फॉर्मुले में मास लेंगे बहुत बड़ा अब हम लेते हैं मास अर्थ का और हम लेते हैं क्या कहते हैं ए, एक तो ले लो आप अर्थ का एक ले लो मून का ठीक है तो अब मून और उसका लेके चलते हैं तो हमें पता है जो मास ऑफ अर्थ है वो होता है हमारा फाइव पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर अब मास ऑफ हम लेके चल रहे हैं ये अर्थ का है ये हमने लिया मून का एक जगह ठीक तो है तो मास ऑफ मून है सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी टू के जी अब जरा रखो इसी फॉर्मूले में वापस अब निकालो सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस इलेवन ठीक है इसमें हम अगर रखेंगे मास ऑफ अर्थ तो हो जाएगा सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी पावर ट्वेंटी फोर और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, होता है इनके बीच में थ्री पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर एट का स्क्वायर देख रहे अब कितनी बड़ी वैल्यू आएगी वैल्यू पता कितनी आएगी अभी आएगी जब सोल्व करोगे ये देखो अब कितनी बड़ी हो गई एक वैल्यू ये आई थी आपकी एक फोर्स तो ये रहा जो भी निकाला है हमने और पहला फोर्स था ये ये है किसके बीच में अर्थ और मून के बीच में कितना बड़ा फोर्स आया टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी टेन टू पावर ट्वेंटी है यानी कि अभी आगे बीस जीरो लगेंगे बीस जीरो और यहाँ क्या था यहाँ पीछे लेके जा रहे हैं दस पॉइंट पीछे लेके जा रहे हैं पॉइंट जीरो 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 ऐसे है कितनी छोटी वैल्यू है, है और ये देखो टू के आगे बीस जीरो और है कितना बड़ा नंबर है तो देख लो आप समझ में आ रहा है क्यों अर्थ और जब बड़े बड़े हमने आ, वो लिए प्लैनेट्स तभी ये फोर्स सिग्निफिकेंट है ये फोर्स सिग्निफिकेंट है ये फोर्स पता ही नहीं चलेगा हैवी की नहीं है इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये फोर्स जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है ये तभी समझ में आता है ये वाला अट्रैक्शन वाला फोर्स तभी दिखाई देता है जब चीजें बहुत बड़ी होती हैं अदरवाइज ये समझ में नहीं आता इनसिग्निफिकेंट हो जाता है ठीक है अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ध्यान रखो ये वाला फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है रिपल्सिव नहीं है दो बॉडीज के बीच में दो, दो बॉडीज को आपस में एक तरफ खींचेगा भाई आप अर्थ आपको नीचे की तरफ खींच रही है ना तो अट्रैक्टिव है ना ये फोर्स जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो नीचे की तरफ क्या होता है अट्रेक्शन होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स है थीके? ये ठीक है ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके प्रोडक्ट ऑफ मॉसेस के ये आपको पता ही है ठीक है इनवर्सली प्रपोर्शनल है ये किसके स्क्वास के ठीक है यहाँ पे एक इन्वर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है मतलब जैसे कि अगर चीजों के बीच में डिस्टेंस डबल होगा चीजों के बीच में डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा वन फोर्थ क्योंकि इन्वर्स है ये अगर चीजों के बीच में डिस्टेंस हम डबल कर देंगे तो फोर्स जो है वो वन फोर्थ हो जाएगा इसकी वजह से ठीक है और ये कब ये सिग्निफिकेंट होता है कब ये कब पता चलता है जब हेवनली बॉडीज के बीच में हेवनली बॉडीज मतलब ये सन मून ये सब आपके मेरे बीच में अगर है छोटी छोटी चीजों के बीच में अगर है तो ये इनसिग्निफिकेंट होता है मतलब जो ऑर्डनरी बॉडीज हैं हम सब ऑर्डनरी है ना हम मोबाइल टीवी दीवारें ये सब क्या है ऑर्डनरी बॉडीज हैं जब ऑर्डनरी बॉडीज में होगा तो क्या हो जाएगा ये इनसिग्निफिकेंट पता नहीं चलता ठीक है तो हम किसकी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता नहीं चलता जब ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है जब ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है तभी ये मालूम पड़ता है अब इसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है तो अब अगले वीडियो में देखेंगे कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है तो गाइस ये था वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको सबके साथ शेयर जरूर करें हैव एन नाइस डे बाय बाय टेक केयर